चंदन क्यारी प्रखंड के सिमुलिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 53 में सेविका चयन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता मुखिया सुनीता देवी ने किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राजकिशोर खालको, जी परिषद सदस्य सह जिला योजना समिति बोकारो उत्तम दास, उप प्रमुख प्रतिनिधि अंचितो बावरी, पंचायत समिति प्रतिनिधि युधिष्ठिर महता ने संयुक्त रूप से चयन करने पहुंचे, जहां सेविका चयन के लिए 3 आवेदक प्राप्त हुआ, जिसके लिए बीए पास पूनम कुमारी, एमए पास अंबिका कुमारी, प्रियंका गुड़िया इंटर पास ने अपने आवेदन जमा किए, जिसमें से अधिक अंक के आधार पर पूनम कुमारी का चयन किया गया। चयन के बाद एमए पास के दावेदार अंबिका कुमारी ने जमकर हो हंगामा करने लगा और अंबिका देवी ने कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यताओं को उसके आधार पर सेविका की चयन नहीं हुई है, जो गलत तरीके से चयन किया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य सह जिला योजना समिति बोकारो उत्तम कुमार दास ने कहा कि आम सभा में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सेविका के रूप में पूनम का चयन किया गया। रिपोर्टर जावेद अख्तर। चयन होना था, क्या हुआ? अरे इस बार, अगले बार क्या हुआ था कि अगले बार बोले कि हाँ, जो जिसका जितना क्वालिफिकेशन होगा उसी को किया जाएगा, तो उसका बीए फर्स्ट क्लास निकला और मेरा बीए सेकंड क्लास, इसीलिए उसको मतलब सेविका पद घोषित किया गया और हमको नहीं, जबकि वो मेरे से एक क्लास आगे थी, उसका फर्स्ट था मेरा सेकंड था, इसीलिए उसको किया गया। तो हम लोग विवाद किए क्या, कि उसका ना जाति था, ना आय था, ना कुछ भी नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं था, इसीलिए हम उसको रद्द किया गया, उसको हम लोग रद्द कर दिए। और इस बार मेरा एमए है और उसका बीए फर्स्ट क्लास है, लेकिन उसी को किया, हमको नहीं। इस बार कागज का कोई नहीं देखा, सिर्फ ये वाला पेपर नहीं था उसके पास, ये वाला उसके पास जबकि है ही नहीं, और मेरे पास सारा कागज रहते हुए भी हमको नहीं किया गया, उसी को किया गया। ये सब बावरी समाज में जाति के लिए सब किया गया कि नहीं, वहाँ पे जाति है, बावरी जाति ज्यादा है, जाति कार्ड खेला गया, इसीलिए अब तो चुनाव हो गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा? इसके बाद हम लोग जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के पास अपील करेंगे। आप मान रहे हैं सही गलत हुआ है? सारा साल गलत हुआ है। आपका सिमुलिया पंचायत में सिमुलिया अंतर्गत चुनाव था, सेविका का चयन था। सेविका के चयन में हम लोग मार्क देख के सरकार का जो गाइडलाइन का नियम था, उसी गाइडलाइन के आधार पर हम लोग चुनाव करके जा रहे हैं। और चुनाव में आपका क्या नाम है उनका, जो जिनका हुआ सेविका में चयन, पूनम देवी का, पति राकेश बाबरी का, हम लोग 25 अंक प्राप्त की और उनका ही हम लोग चयन करते। किस आधार पर हुआ वो? मार्क के आधार पर हुआ, परसेंटेज के आधार पर हुआ, मैट्रिक इंटर आपका ग्रेजुएशन सभी का मार्क जोड़ा गया और उस आधार पर उनका अंक प्राप्त ज़्यादा हुआ, इसीलिए उनका हुआ। होने के बाद कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करने का कुछ नहीं, अगर वो हंगामा विषय आता ही नहीं, अगर सक्षम है वो न्यायालय जा सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे कि एमए पास है, ये मैट्रिक पास, 5% अंक प्राप्त था उनको दे दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग सब रह के किए हैं, पंचायत समिति थे, हमारे मुखिया जी थे, जिला परिषद थे, सभी सदस्य थे, इसमें कुछ नहीं है, न्याय हुआ है और जिसका अंक प्राप्त ज़्यादा है उसी का हुआ। बड़ी सेविका को लेकर ग्राम सभा हुई, जिसमें प्राप्तांक के आधार पर पूनम कुमारी को वरीयता सूची में प्रथम पाया गया, उसको चयन किया गया, उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं हुआ। हंगामा कर सकते, पिछले बार भी हंगामा हुआ था, लेकिन हंगामा क्या, उस सरकार का जो गाइडलाइन है सितंबर 22 में जो गाइडलाइन निकला है, उस गाइडलाइन के आधार पर कैंडिडेट एमए पास भी किया है, एमए पास है लेकिन बाकी में तो 0% है, किसी में कम परसेंटेज है, ऊपर प्राप्त मैंने मार्कशीट उसका परसेंटेज को देखा गया, तो उस परसेंटेज के आधार पर हम लोगों ने तय किया, तो उसके गाइडलाइन में जो परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज को हम लोग बेसिस किया गया, बेसिस के आधार पर उसको 25 मार्क मिला, उसको 23 मार्क मिला। जिसका नहीं हुआ वो बोल रहा है सर हम न्यायालय जाएंगे। जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला है। सही तरीके से हो गया? बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। हेलो, बोलिए, क्या आज जो आप सभी का चयन हुआ उसमें आपको क्या चुना गया? सेविका के लिए। के ना तो पढ़े लिखे के ना दूर तक है आप? ग्रेजुएशन किए थे, किस आधार पर किया गया? क्वालिफिकेशन के आधार पर किया गया, इससे ज्यादा परसेंटेज हुई उसी का हुआ।
तो देख रहे थे आपका चयन होने के बाद विवाद हो गया, झगड़ा हो रहा था, क्या करते हैं? अलग मैटर, लेकिन उसमें तो सारा रूल लिखा हुआ है कि किस पद के लिए, मतलब किसके हिसाब से हो रहा है चुनाव, फिर भी वो लोग आपस में चिल्ला रहे थे, इसमें हम लोग क्या? अच्छा, सर हमसे हम ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, उसमें तो सारा रूल लिखा हुआ है ना पेपर में, तो बताने का जरूरत ही नहीं। अच्छा, मैट्रिक में आपका कितना परसेंट है? 57%। इंटर में कितना परसेंट है? 57%। ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है? उसी के आधार पर आपका चयन किया गया, तो काफी हाव गुल्ला हो गया वहाँ पर। एमए किए हुए भी लोग है काफी, उन्होंने उसका कंप्लीट कहाँ हुआ है? कंप्लीट कर रही है, उसका परसेंटेज तो उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से कैसे होगा? अब आपको चुन लिया गया है, अब आगे क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, जो होगा। उन लोगों का ये भी कहना है कि आप यहाँ नहीं रहते हैं, तो पूछिए तो पहले हम किस लिए नहीं रहते, सबको हम काहे बताएं। अब जब यहाँ हो जाएगा तो हम रहने लगेंगे ना, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उधर भी हम अपना क्लास। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी आप एक मरताएं, हाँ। जब दूसरा बार चयन हो रहा तभी आप आ रहे हैं? हाँ, नहीं, हम पहले से आ रहे हैं, पहले से आते जाते हैं, किसी और कैसे पता चलेगा? अब तो आप, फैमिली को पता रहेगा ना हम कब आ रहे कब नहीं आ रहे। आपको चुन लिया गया है, अब इसके बाद रहिएगा? हाँ, क्यों नहीं, या खाली वो तो देखिएगा ना, वेरिफिकेशन करिए, आके देखिए, चेक करिए हम रह रहे कि नहीं रह रहे। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमार।